Hello guys, assalamu alaikum. This is me, Saltanat Khan, back with another YouTube video. It's been like so long ke main YouTube pe active nahi thi, main apne blog account pe active nahi thi, Instagram pe jiska abhi recently naam change kar diya hai aur uspe makeup looks aayi hu, most probably aayi hu, main aage post karungi. To acha lockdown maine ek video post ki, that was about selling inside makeup, aur uske baad se main aayi hu. Mujhe ab I know I should be active on my blog account on YouTube, lekin motivation ki baat hai, motivation mere pas bilkul zero thi aur usme aaj agar din kar raha tha, abhi bhi lazy bandi thi, lekin ab I will be active on Instagram and on YouTube. I think post some video here on YouTube. I just said, you know, I'm just searching. So, as you can see, I'm wearing a turtle neck, but this is another thing. I will do modern types of makeup, which is turtle neck. So let's get into it. ज़्यादा लेट नहीं करते. सबसे पहले तो मैं अपने बाल बांधूंगी. उसके बाद मैंने अपने लेंसेज नहीं लगाए हुए. अभी मैं कुछ भी नहीं करके आई, सिर्फ एक टेंट लगाया हुआ है. उसके अलावा मैंने अपने बाल सही से स्ट्रेट नहीं किए, मैंने लेंस नहीं लगाए. विल डू एवरी थिंग हेयर. सो दीज आर द लेंसेज. प्रिटी वाइट नजर नहीं आएंगे. इट्स वेरी वाइट. I forget, this one is from a right eye. मैंने अभी यहाँ में सेट नहीं हो रहा क्योंकि तुमने हीटर ऑन किया हुआ, मेरे आंखों में हीटर की आवाज़ आ रही है. दिस विल बी ओके सून. एंड अब मैं ये लेफ्ट आई में डाल के आती हूँ. ओके, सो दिस इज हाउ माय लेंसेज लुक्स लाइक. इट्स इन द शेड में नंबर 23 आई गेस. यस, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप. बहुत ज़्यादा ग्लैम मेकअप नहीं करना है, इट्स जस्ट हमारी जीन्स और हाई नेक्स के साथ और जैकेट के साथ हमारा मेकअप चल जाए, ऐसा मेकअप करना. उसके लिए मैं ये ग्लैम गर्ल बाय मेविश की नो मेकअप पैलेट लूँगी और मैं इसमें से ये शेड ये वाला, इट्स न्यूट्रलाइजर, नॉट न्यूट्रलाइजर, कंसीलर यूज़ करूँगी. नॉट अप्लाइंग प्राइमर दिस टाइम बिकॉज सर्दियाँ हैं एंड आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट फील लाइक वेयरिंग इट. मुझे लगता है कि मेरा आजकल पीपल निकल रहे हैं तो आई जस्ट डोंट वांट टू वेयर प्राइमर. ओके, यू आई सी क्लियरली सी द कवरेज हियर. आई लव दिस पैलेट अ लॉट. ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही, इट्स जस्ट मैंने इतना सा इसको ले रही हूँ. आँख लग रही हूँ. सो अभी मैंने अपना कंसीलर अप्लाई किया है. ओके, सो लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग, दैट ये जो पैलेट है नो मेकअप पैलेट, इसमें से आई डोंट यूज़ दिस वन. दिस इज़ न्यूट्रलाइजर एंड दिस इज़ अ फेस बेस. आई यूज़ फेस बेस एज माई कंसीलर, नॉट एज माई फाउंडेशन, बिकॉज दिस वन इज़ प्रिटी ब्राइट. और ब्राइट से मैं थोड़ा सा अपना कंसील कर सकती हूँ. एंड आफ्टर दिस आई एम टेकिंग टू प्रोडक्ट्स, दैट इज मिस रोज फाउंडेशन इन शेड बेज 2 एंड बी क्यूट. इफ यू गाइज आर फॉलोइंग मी सिंस अ लॉन्ग टाइम, यू गाइज नो दैट आई एम सुपर ऑब्सेस्ड विद बी क्यूट एंड इट्स इन शेड 01 LF01. मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी अपने हाथ पे. इसको थोड़ा मैंने इसको बस एक ड्रॉप अपने हाथ पे लिया था और उसी को ब्यूटी ब्लेंडर पे लिया है. ओके, अब मैं इसको लगाती हूँ. Don't forget your neck. Now I'm taking this BQT foundation, taking it on the beauty blender. And now I'm taking this eyebrow palette and just a little bit of
this brush, just cut brush. And I'm not taking black shade because black is not my shade. Na hi mere baalon ka shade hai black. Isliye I'm taking the lighter one. Ignore the highlight. And just drawing my brow very light. You just have to trust the process or else aap log ghabra jaoge ki bhai ye kya ho raha hai makeup ke saath. Also, I don't have spoolie. I had it earlier, लेकिन मेरी बहन हॉस्टल लेके गई थी, वहीं पर भूल गई थी. तो ये मेरा एक मेबलिन का मस्कारा था, उसका मैंने ब्रश से उसको ही स्पूली बना लिया है. You know, Pakistani things, desi things actually. Okay. So now, what I'm gonna do is I am taking a brush. A brush in Christine की ये palette होती है, this is contour palette. लेकिन हम इसको थोड़ा सा अपनी eyes पे bronze सा effect दे सकते हैं, इसलिए I'm taking this and taking this brush which is my contour brush. Like I just contour इसके साथ, तो लेके हल्का सा देखें अभी इसको पे हम set करेंगे इस brush की back side से and बहुत थोड़ा सा लेना है. बैक एंड फोर्थ वाइपर टाइप इसको करना है. ओके, टेकिंग अ स्मॉलर मिरर. This is just an eye shade. I just got done with my clients. इस फेस पे अभी भी थोड़ा सा लगा हुआ है शेड. इसको बस अपने हल्के हाथों से आपने करना है. बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट लाइट सा कि आपकी आईज पे एक वार्म सा इफेक्ट आ जाए. बहुत ज़्यादा नहीं करना. नाउ आई एम टेकिंग the eyelash curler. This is from Rivaj and I'll curl my eyelash quickly. It's like 1 2 3 4 5 boom, 1 2 3 4 5. And now I'm taking mascara which is from Maybelline Colossal Mascara. I need a mirror close one. Let me find it. So I found that mirror. This is by the way the Christian Contour Keep mirror. Okay. आपने mascara wand निकालना बहुत आराम से है क्योंकि इसमें हवा भर जाती है और फिर आपका मस्कारा जल्दी ड्राई हो जाता है. अब मैं मस्कारा लगाती हूँ. पहले मैंने सोचा था कि मैं मस्कारा के साथ आईलैशेस भी लगाऊंगी, लेकिन देन आई थॉट नहीं, ज़्यादा ओवर हो जाएगा. ओके, आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, इसका मस्कारा लगाते हुए बन नहीं होता, मतलब बड़ा टफ काम है.
डन विद दैट. नीचे वाली लैशेस के पे मैंने अभी मस्कारा नहीं लगाया. आई एम जस्ट टेकिंग द क्यू टिप और इसके साथ में जो ऊपर जितना भी मस्कारा लगा मेरी आंख पे वो मैं साफ करूंगी. और अब मैं नीचे वाली लैश पे भी मस्कारा लगा लेती हूँ. Now that I have a closer mirror, I know कि मेरी कहाँ कहाँ से foundation set होने वाली रहती है. Foundation हो गई, it's time to apply some blushon. Blushon, I am thinking to apply this one. This one is Lip and Cheek Tint of a Glam Girl by Mavish. लेकिन वो इतनी बुरी हालत में है, not ashamed. I have a cheek tint from Hang Seng, लेकिन they are too pigmented. जहाँ पर लगता है वहीं पर लग जाता है और फिर उसके बाद वो blend ही नहीं होता. This one is too good for winters. मतलब इतना अच्छा इफेक्ट देता है. एक प्रॉपर लगता है कि हाँ सर्दियों का जो ब्लश आया हुआ होता है सर्दी से वो लगता है. इसका बिल्कुल वो फेकनेस लगती ही नहीं है. Now I'm going to apply my highlighter, which I have to find. Okay, so I have this palette. This is by Party Queen. इसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हुई है. This is what happens when you are a makeup lover. I'm gonna highlight my nose. Now it's time to apply lipstick. अभी मैंने टिंट लगाया हुआ है लेकिन इसके ऊपर ऑब्वियसली लिपस्टिक लगाऊंगी. एंड आई एम गना अप्लाई, बाय द वे द लिप टिंट इज फ्रॉम हैंग फैंग एंड दिस इज द टिंट दैट आई हैव अप्लाइड बिफोर दिस ट्यूटोरियल. एंड दिस इज इन द शेड 6. By the way, let me just find my lipstick. I guess I should apply this clear zone now 555. So, without pencils, just gonna apply it a little. Sorry.
And after this, I am thinking to give it a little bit red in the inner, and this one is also from Clayzona and in the shade 505. Iska tip le ke aapne sirf yahan pe lagana hai apne fingers isko. Pehle bahut zyada pink tha, ab light light sa red bhi aa gaya hai isme share, and now it's time to put on some jewelry. And here sabse pehle main baal banati hu. I wanna straighten up my hair a little, and for that I am taking my Remington dust straightener. And this one is very fine straightener. Sorry if it was too noisy. And these are very important to straight. I'm sorry, I just go on pretty apne hi flow mein. Done with hairs. I was just thinking to just, you know, bind it up, but no. I know you're obsessed with me. I know.